हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ पनीर की खीर की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और इस खीर को आप व्रत में भी खा सकते हो और नॉर्मली भी आप खा सकते हो। और खीर को आप ठंडा भी खा सकते हो और गर्म भी आप खा सकते हो। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। पैन में 1 लीटर दूध लिया है और दूध को आप गर्म कर लेंगे। दूध आप ठंडा भी यूज़ कर सकते हो, अगर गर्म किया हुआ है तो वो दूध भी आप यूज़ कर सकते हो। मीडियम गैस फ्लेम पे दूध को तब तक बॉईल करना है जब तक दूध रिड्यूस होकर आधा नहीं हो जाए। और स्पैचुला से कंटिन्यू हिलाते रहना है ताकि नीचे दूध लगे नहीं और साइड में मलाई भी नहीं जमे। दूध अब गर्म हो गया है, अब इसमें दूध में भीगा हुआ थोड़ा केसर ऐड करेंगे ताकि खीर के अंदर अच्छा फ्लेवर आए और अच्छा कलर आ जाए। और इसमें थोड़ा सा किशमिश ऐड करेंगे और स्पैचुला से मिक्स करते रहेंगे ताकि दूध नीचे लगे नहीं और साइड से जो मलाई आ रही है उसको स्पैचुला से निकालते रहेंगे। और 2 से 3 मिनट के लिए दूध को गर्म करेंगे। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अब दूध अच्छी तरह से बॉयल हो गया है और अब इसमें 200 ग्राम क्रम्बल के बाद पनीर ऐड करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए और बॉयल होने देंगे और स्पैचुला से कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे ताकि दूध और पनीर नीचे लगे नहीं। दूध के साथ पनीर को अच्छी तरह से पका लिया है, अब इसमें 1/4 कप चीनी ऐड करेंगे और स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से डिजॉल्व हो जाए। और मीठा अपने टेस्ट के अनुसार आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और स्पैचुला से कंटिन्यू हिलाते रहना है ताकि पनीर नीचे लगे नहीं। तो अब पनीर की खीर बनकर तैयार है। इसमें केसर डालना ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप देख सकते हो केसर से बहुत अच्छा कलर आया है। और अब इसमें 1/4 टीस्पून ग्रीन कार्डमम पाउडर ऐड करेंगे यानी इलायची पाउडर और स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और खीर को दूसरे बाउल के अंदर डालकर ड्राई नट से गार्निश कर लेंगे। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो अब खीर पर काजू और पिस्ता से गार्निश कर लेंगे और हमारी खीर तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।